हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रश्मि संग अनबन पर बोले सिद्धार्थ शुक्ला, कभी नहीं हुए थे झगड़े, सब कुछ बहुत प्यारा था। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का रिश्ता हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोनों के बीच हुई पुरानी लड़ाइयों को लेकर उनका वर्जन अलग होता है, इसलिए उनके बीच असलियत में कौन गलत है कौन सही, ये लोगों को शो के 3 महीने बाद भी पता नहीं चल पाया है। बीते एपिसोड में सिद्धार्थ गार्डन एरिया में शेफाली जरीवाला, माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा के साथ बैठे हुए थे। तब सिद्धार्थ ने उन तीनों से पूछा कि तुम लोग आउटसाइडर हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। फिर पारस दावा करते हैं कि उन्हें पूरी बात पता है, जिस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता है, तुझे जिस हवाले से पता चला है उसे भी नहीं पता है। पुरानी बातों को खोलते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मेरी और रश्मि की अनबन थी लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया था। शो खत्म होने के बाद भी बहुत समय तक सब सही से जा रहा था, लेकिन जब कट ऑफ हुआ कि हमें बात नहीं करनी है, फिर भी हमारे बीच झगड़े कभी नहीं हुए, तू मैं कभी नहीं हुई, हमेशा बहुत प्यारा रहा। इसके बाद शेफाली जरीवाला ने कहा कि रश्मि ने बताया था कि तू सेट पर उसे गाली देता था। शेफाली की बात पर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ ने रश्मि को झूठा बताया। वही बीते एपिसोड में भी सिद्धार्थ और रश्मि के बीच की कहा सुनी हुई। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला पहले दिन से लड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते सिद्धार्थ को मालूम पड़ा कि रश्मि उनके बारे में पीठ पीछे बातें करती है। फिर सिद्धार्थ ने रश्मि की बातें खोली। उन्होंने बताया कि रश्मि उनके पीछे गोवा तक आ गई थी। सेट पर रश्मि को 2 लाइनें भी याद नहीं रहती थी। खैर, शो खत्म होते होते सिद्धार्थ रश्मि के अनबन को लेकर कई और खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।